मेरे पास तो एक भी सूट साड़ी ऐसा नहीं रह गया है जो कहीं आने जाने में पहन जाओ। ले देखे यही साड़ी यही सूट, अब तो कपड़े लेके ही आने पड़ेंगे मुझे तो, ढंग के रह ही नहीं रहे कपड़े। मम्मी जी ये कपड़े क्यों फैला रखे हैं आपने? आज सोचा अलमारी लगा लूं, पर अब देखे तो मेरे पास तो ढंग के कपड़े ही नहीं रह रहे। ये सारे कपड़े मैंने तो कई कई बार पहन लिए, अब कहीं आना जाना पड़ जाए ना तो एक भी नया सूट है ना एक साड़ी है। अब सोच रही हूँ एक दो सूट और एक दो साड़ी ले ही आऊं। हाँ तो चलो बाजार, बाजार जाकर ले आएंगे। मम्मी जी मुझे भी कुछ सामान लेके आना था, मैं भी ले आऊंगी। हाँ तेरा सामान पहले खत्म होगा, मैं जरा बाहर जाने की सोचूं सामान लेने के लिए, तू पहले लद मेरे साथ। मम्मी जी मैंने ऐसे क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा हो गई? बाजार जाने की तो कही थी, नहीं साथ लेके जाना तो मत लेके जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी, खुद ले आऊंगी सामान। बना ले हूं, तुझे साथ लेके जाऊंगी मैं। हेलो, हाय राम, सांस फूल गई। कंधा भी रह गया मेरा तो, कितना बोझ हो गया था। आ गए मम्मी जी, ले आए सब सामान? हाँ तो गई, सांस फूल गया मेरा तो, हाँ कंधा भी रह गया, इतना बोझ हो गया था। हाय राम, हाँ फूल तो गया होगा इतना सारा सामान जो लेके आई हो। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ ले आ, चाय भी बना लाऊँ साथ में? बना दे वो भी। ठीक है, ये देख ये साड़ी बता कैसी है। साड़ी तो हमें सुंदर है, और ये सूट है देख ये भी अच्छा है, पर मम्मी जी सूट में अगर ब्लू कलर होता ना तो और भी अच्छा लगता, और भी सुंदर लगता आप पर। अरे इसमें था ब्लू कलर पर है ना वो रेनू, रेनू? अरे मेरा मतलब है ना रेनू को भी ब्लू कलर पसंद है, उसे तो कोई भी कलर दिखाओ ले दे के उसे तो ब्लू कलर ही पसंद आता है। मम्मी जी मैंने तो रेनू की बात की ही नहीं, अब ये रेनू बीच में कहां से आ गई? खाना नहीं बनाएगी? देख तो टाइम क्या हो गया है, जा खाना बना ले तू। ठीक है जा रही हूँ, बना रही हूँ। अच्छा ले, ये कोई बात हुई भला? क्या हुआ? चल मैं बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी कब छूट गया था हाथ में से, टूटा तो नहीं है लेकिन चटक गया है, एक तो पहले ही पांच रह गए थे ये भी खराब हो गया, अब तो नए लेके ही आने पड़ेंगे। काम संभाल के ही कर लिया कर। अब मम्मी जी मैंने कौन सा जानबूझ के करा है, फिसल गया हाथ से। ठीक है बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। मम्मी जी अब कप नहीं रह रहे, घर में एक साथ चार पांच जने आ गए ना तो चाय पिलाने को भी नहीं रहे। हाँ हाँ ठीक है, शाम को जाऊंगी बाजार तो ले आऊंगी। मम्मी जी अब की बार तो मैं भी चलूंगी आपके साथ, अपनी पसंद का लेके आऊंगी कप का सेट। क्यों मेरी पसंद खराब है? नहीं मम्मी जी आपकी पसंद अच्छी है, पर अब की बार तो मैं भी चलूंगी आपके साथ, आखिर मेरा भी मन करता है अपने घर के लिए अपनी पसंद की चीजें लाने का। कोई जरूरत नहीं है संग जाने की, अरे घर में इतने काम है वो कर, मैं जाऊंगी और खुद ले आऊंगी। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, नमस्ते। किसका फोन था मम्मी जी? रेनू का था, तो मुझे लग ही रहा था। क्या कह रही थी? वो बाजार आएगी, पर्दे लेने होंगे उसे, कह रही थी काफी टाइम हो गया मम्मी चेंज नहीं किए पर्दे, सोच रही हूँ नए ही ले लूँ। तो मैं भी सोच रही थी हमारे भी ये पर्दे लगे हुए ना कई साल हो गए, मैं भी नए ही ले आऊँ। हाँ जी मम्मी जी ये तो आपने ना मेरे मन की बात कह दी, कितने सालों से ये पर्दे लगा रखे हैं हमने, हमें भी चेंज करने चाहिए,
और मैं अपने रूम के लिए तो अपनी पसंद से लेके आऊंगी अब की बार। अरे मैं और रेनू जा तो रहे हैं बाजार, अब तू जाके क्या करेगी? अब जैसे वो अपने कमरे के लिए पसंद करेगी ऐसे ही मैं तेरे कमरे के लिए पसंद कर लूंगी। अब उसकी पसंद घटिया थोड़ी है, अच्छी है उसकी पसंद भी। हाँ ये भी है, वही तो कह रही हूँ बेफालतू में। तो मम्मी जी आप है ना ऐसा करो, दीदी को ना मना कर दो, हम दोनों ही बाजार जाके ना दोनों अपनी पसंद से पर्दे ले आएंगे। अब वो जाके क्या करेंगी? ठीक है ठीक है। अरे वो अपने घर के लिए लेके आएगी, अब वो उसकी मर्जी जैसे पसंद करे अपने पर्दे, तू क्यों पसंद करेगी उसके लिए पर्दे? आखिर उसे अपने घर के लिए चाहिए तो वो अपनी पसंद से लाएगी ना। क्यों मेरी पसंद खराब है? तेरी पसंद खराब नहीं है, लेकिन वो तेरी पसंद के क्यों लगाएगी अपने घर में पर्दे? अरे उसे अपने घर के लिए चाहिए तो वही पसंद करके लाएगी ना। क्यों जब मैं उनकी पसंद का हर सामान इस्तेमाल कर सकती हूँ तो वो मेरी पसंद के पर्दे भी इस्तेमाल नहीं कर सकती? जब मैं अपनी रसोई के लिए कब तक उनकी पसंद का यूज करती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकती? वो क्यों मेरी पसंद के पर्दे नहीं ले सकती? मम्मी जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अगर मैं दीदी के ससुराल जाकर ये कह दूँ ना कि देखो दीदी ये चीज यहाँ अच्छी नहीं लग रही, देखो दीदी इसे हटा दो यहाँ अच्छी नहीं लग रही, दीदी ऐसा करो इसे बदल दो या इसे हटा दो, तो दीदी को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी और वो है ना कहने में भी नहीं चुकेंगी कि भाभी अपना घर देखो मेरा घर जैसा है उसे वैसे रहने दो। पर मम्मी जी आपने तो मुझे ये हक दिया ही नहीं कभी, ना ही आपने मुझे कभी इस घर को अपना समझने दिया। ये बताओ मम्मी क्या मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं अपने इस घर के लिए कोई अपनी पसंद की चीज़ ला सकूं, मैं भी अपनी पसंद की चीज़ों से इस घर को सजा सकूं?